पृथ्वी एक बहुत सुंदर ग्रह है जहाँ पर मनुष्य रहते हैं। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर अभी तक जीवन की संभावनाएं नहीं है। कई लोगों का एक सवाल होता है, हमारी पृथ्वी का वजन कितना है। गूगल पर सभी लोग इस सवाल को बार बार पूछते हैं, गूगल पृथ्वी का वजन कितना है बोलकर बताइए। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के वजन के अलावा हम पृथ्वी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टो लाइब्रेरी। मैं आपकी होस्ट नेहा लेकर आ गई हूँ एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर हमारी पृथ्वी का वजन कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के वजन को किसी तराजू से नहीं तोला जा सकता है, इसीलिए वैज्ञानिक पृथ्वी के वजन का पता गणित और गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उपयोग करके लगाते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी का वजन कितने टन है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पृथ्वी का वजन। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन जीना संभव है। इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जहां पर मनुष्य अपना जीवन यापन कर सकता है। पृथ्वी के 71% हिस्से पर जल है और 29% हिस्सा भूमि से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह कई प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी पर जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत जमी हुई है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग और कुछ अन्य रिसर्च के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति करीब 4.54 अरब साल पहले हुई थी। जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय कई अरब साल पहले जीवों का विकास महासागरों में हुआ था। धीरे धीरे जीवों ने पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करना शुरू किया और बाद में अवायुजीवी और वायुजीवी जीवों का प्रसार होना शुरू हुआ। कुछ जियोलॉजिकल एविडेंस इंडिकेट्स के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 4.1 अरब वर्ष पहले हुई होगी। जिस समय पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, उस दौरान जैव विविधता का भी अत्यंत विकास हुआ। हजारों प्रजातियां इस दौरान लुप्त हुई और हजारों नई प्रजातियों का जन्म हुआ। सूर्य से पृथ्वी की उत्तम दूरी और रहने के लिए सही जलवायु और तापमान ने पृथ्वी पर जीवों का विविधता को बढ़ाया। अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें, तो यह भी पृथ्वी की सतह की तरह कई परतों से बना हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अलावा पृथ्वी के वायुमंडल में एक ओजोन गैस की परत भी मौजूद है, जो कि सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल घना होता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश कुछ मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इससे सूर्य का तापमान नियंत्रित रहता है। अगर कोई उल्कापिंड ब्रह्मांड से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, तो वह हवा के घर्षण से जलकर नष्ट हो जाता है या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह बहुत अधिक कठोर है, जो कि पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई है। इसका ऊपरी भूभाग विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित है, जो कि इतिहास के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुआ था। इसकी सतह पर पठार, महाद्वीप, द्वीप, नदियां, सागर और कई प्रकार की प्राकृतिक संरचनाएं मौजूद हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों से मिलकर बनी है, जो कि भूपटल, भूप्रवार और क्रोड। पृथ्वी की बाह्य क्रोड परत तरल अवस्था में है और एक परत ठोस अवस्था में है, जिसमें लोहा और निकल के साथ आंतरिक कोर में क्रिया करके चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार के आवेशित कणों को प्रवेश करने से रोकता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 5 करोड़ किलोमीटर है। दूरी के आधार पर सूर्य से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जो कि सौर मंडल में सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिनों का समय लगता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के मौसम इसलिए बदलते हैं क्योंकि वह अपने लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी के निकट मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। पृथ्वी एक संस्कृति भाषा का शब्द है, जिसे पृथ्वी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है एक विशाल धारा। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाराज पृथुन के नाम पर धरती का नाम पृथ्वी रखा गया। इसके अलावा पृथ्वी को धरा, रसा, मही, मेदिनी, वसुंधरा, विकेशी, अवनी, धरती, धरणी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको यह फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल
फैक्टो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।